तुका हुंदरां म्हाज्या मामा आनी हांव सांगता तुका त्या म्हाजो रेच्या पिल्या लागी खेळ मांडी नाका त्या म्हाजो रेच्या पिल्या लागी खेळ मांडी नाका मामा आयलो आनी खाली फोन लिपलो मामा आयलो बोलो ना सर यहाँ पर हाँ एक मिनट हाँ एक मिनट जरा गाड़ी साइड में लो हेलो हाँ अब बोलो बोलो हाँ यहाँ मिरिंडा हाउस के सामने एक लड़की घूम रही है बहुत देर से वहाँ पर है क्या जी हाँ मुझे उस पर थोड़ा शक हो रहा है हाँ ठीक है हम वहीं आ रहे हैं सुनो गाड़ी मिरिंडा हाउस की ओर ले लो चलो देर हो गई वो लड़की वहां पर घूम रही है सुनो मैडम यहाँ क्या कर रही हो यहाँ क्या कर रही हूँ ये पब्लिक प्लेस है यहाँ मैं खड़ी रह सकती हूँ छोड़िए मुझे ए मैंने क्या गुनाह किया है जो आप मुझे पकड़ रहे हैं कितनी देर से तुम यहीं पर घूम रही हो हमें शक हुआ इसीलिए पकड़ना पड़ा मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस घर में रहता है नाम क्या है तुम्हारा प्रिया अपना असली नाम बताओ ऐसे झूठे नाम सुनने की आदत हो गई है हमें आई मीन इट मेरा असली नाम प्रिया ही है प्रिया रेडकर हाँ एक मिनट लेट मी शो यू माय आइडेंटिटी प्रूफ हियर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा था और क्या अब आधा घंटा हो गया कितनी देर से उसका इंतजार करी वो अब तक आया ही नहीं है फोन भी ट्राई करके देख लिया फोन बंद आ रहा है वो देखिए आ गया सैम 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 हे ए वो देखिए इधर है ए रुक ए पकड़ो रे उसे जल्दी अरे ए रुक ए रुको ए रुको यहां ना रुक 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 ए रुक रुक भागता है तू भागता है उठ उठ अरे उठ पर मैंने किया क्या सर रुकने को बोला तो समझ में नहीं आता है कह रहा है अरे तेरी गर्लफ्रेंड को हमने वहां पकड़ रखा है देखा ना तूने फिर भी भाग रहा था चल अब चुपचाप चल हमारे साथ देखिए साहब देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है समझ नहीं आ रहा आपने क्यों पकड़ा है अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पकड़ा है ये तो समझ में आ रहा है ना हाँ और फिर भी तुम भाग रहे हो साहब किसकी गर्लफ्रेंड कौन सी लड़की मैं नहीं जानता उस लड़की को चल अब साफ से बात कर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है जाने दीजिए मुझे सैम रिलैक्स क्या है ना कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी ना तुम्हें आने में देरी हो गई इन्हें ऐसा लगा कि मैं कोई ड्रग डीलर हूँ लेकिन मैंने इन्हें सब बता दिया है इन्हें मुझ पर यकीन भी हो गया है कि मैं प्रिया रेडकर ही हूँ ओके समझ गए ना तुम्हें मैंने हजार बार कहा है ऐसे वक्त से पहले आकर मेरा इंतजार मत किया करो गलतफहमी हो सकती है अच्छे घर की लड़की को ये शोभा देता है क्या हाँ बताइए साहब बताइए
ये खुद भी डूबेगी और एक दिन साथ मुझे भी ले डूबेगी साहब। देखिए आप दोनों ये झगड़ा अपने घर जाकर निपटाइए। बहुत देर से ये लड़की इस बंगले के बाहर चक्कर लगा रही थी, हमें इस पर शक हुआ इसीलिए पूछताछ की। आजकल यहाँ बहुत ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग चल रहा है। सर इसकी भी इंक्वायरी करें क्या? नहीं छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है जी। मैडम ये लो। साहब हम जा सकते हैं ना? अरे प्रिया चलो, साहब ने परमिशन दे दी है, थैंक यू बोलो। थैंक यू। चलो। कौन हो तुम और क्या करती हो? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। और तुम क्या करते हो? मैं चित्रकार हूँ, फिलहाल बेकार हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से। Hey, listen, listen. देखो मैंने कहा ना तुम्हें जाने को, ठीक है? अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, हाँ खामखा गले मत पड़ो। Hey, मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा तुम्हारे गले पड़ने का। मुझे पता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर पुलिस शायद अब भी हम पर नजर रख सकती है। और अगर हम दोनों ऐसे तुरंत अलग अलग हो गए ना तो उन्हें शक हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलें अब। तुम क्या पागल हो गई हो? सारे काम बिगाड़ दिए तुमने मेरे। एक्सक्यूज मी, अगर इतना ही था ना तो पुलिस के सामने क्यों कहा था स्टाइल मार के कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है? देखो उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, समझ गई ना? अगर मैंने ऐसा बोला नहीं होता ना तो वो लोग हमें छोड़ते ही नहीं। अच्छा फिर वही प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या थोड़ी देर और दिखाओगे? वजह से तुम्हारे सारे काम बिगड़ गए। कैसे बताना चाहोगे? क्यों बताऊं? ठीक करने वाली हो तुम? इस गांव में मुझे एक असाइनमेंट मिला है, उस घर की मुझे तस्वीर बनानी थी, इसीलिए उसी को ऑब्जर्व करने के लिए मैं यहां आया था। पर तुमने तो मेरी ऐसी बैंड बजा दी है ना। I'm really sorry यार, गलती हो गई मुझसे। तुम्हें घर को ही ऑब्जर्व करना है ना तो कल सुबह भी आकर कर सकते हो। लेट मी टेल यू, चित्रकार अगर अपनी तस्वीर में गहराई लाता है ना तो वो तस्वीर लोगों को ज्यादा पसंद आती है। सारा खेल नजरों का होता है। You're right. सारा खेल नजरों का होता है, इसीलिए उस वक्त तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। सॉरी। अगर तुम्हारा ये नजरों का खेल खत्म हो गया हो तो उठो, एक 10-15 कदम चलकर जाओ, थोड़ा वार्म अप करो और भाग कर जाओ घर। और अगर पुलिस ने देख भी लिया तो वो कहेंगे अरे वाह कितनी अच्छी लड़की है, कितनी फिटनेस कॉन्शियस है। उठो और फूटो यहां से। ठीक है जाती हूँ। Here. Hello.
हेलो हेलो विक्रम हियर हेलो तुम हाय यहाँ अंधेरे में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम तुम्हारे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ मैं हाँ अपने बिजनेस मैनेजर को फोन लगा रहा था मैं तुमने तो कहीं का नहीं रखा मुझे मैं तो घर के अंदर भी नहीं जा पा रहा पुलिस ने अगर देख लिया तो क्या कहूंगा बिजनेस मैनेजर या बिजनेस मैनेजरी क्या अब मैंने एक औरत की आवाज सुनी इसलिए पूछ लिया कौन सी औरत हाँ कौन सी औरत कौन सी मैनेजरी झूठ बोल रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ दिखाता हूँ देखो पढ़ना आता है ना पढ़ो हाँ देखो नाम क्या लिखा है MOHAN मोहन मोहन और किसी औरत का नाम मोहन नहीं होता है तुम दिमाग से पैदल हो क्या इसमें हंसने जैसा क्या है हंसो नहीं तो क्या करूं नाम मोहन का और नंबर मोहिनी का मोहिनी समर बांदोडकर की बीवी है देखो अफेयर करते हो ना तो उन्हें छिपाना भी तो सीखो करता हूं मैं अफेयर हाँ करता हूं मैं अफेयर पर तुम भी कुछ कम नहीं हो समझी ना हाँ बताओ ना मुझे इतने अंधेरे में सुनसान जगह पर मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी बताओ ना क्या जरूरत थी तुम्हारी जैसी लड़की को ये शोभा नहीं देता कहती है नाम मोहन का और नंबर मोहिनी का एक मिनट इसका मतलब मोहिनी का नंबर तुम्हारे पास भी है यथा क्या यहीं पर थी ना वो फिर जब पुलिस ने तुम्हें पकड़ा तो तुमने उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया कोई तो वजह जरूर है बिल्कुल सही कहा है तुमने कोई तो वजह जरूर है मेरे पास एक वजह है तुम्हारे पास एक वजह है तुम्हें भी मोहिनी का नंबर मोहन के नाम से सेव करना पड़ता है और मुझ जैसी अनजान लड़की से वो छिपा कर रखना पड़ता है There is something fishy about you two. I think we are sailing in the same boat. We need to talk. I don't mind. यहाँ नहीं, यहाँ रिस्क है. तो कहाँ? पास में ही एक होटल है, वहाँ रुका हूँ मैं. Walkable distance है, वहाँ चलते हैं. तुम्हारे होटल रूम में बैठकर ऐसे बात करेंगे तो चलेगा क्या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चले अब या श्योर लेट्स गो चलो Good evening, sir. Good evening. How was the evening? Fine, thank you.
चलो। हेलो, हाउ इज इट गोइंग? क्या तुम उस मैनेजर को जानती हो? नहीं, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? फिर वो तुम्हें देखकर मुस्कुराया क्यों? मुझे क्या पता। आओ अंदर। ये मेरा कमरा है, पिछले 4 दिनों से मैं यहीं पर हूं। सॉरी हाँ, थोड़ा मेस है यहां पर। इट्स ऑल राइट। अगर फ्रेश होना हो तो बाथरूम वहां पर है। आई एम गुड। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूं। तुम बैठो, बी कंफर्टेबल। I'm really sorry. Sorry किस लिए? तुमने थोड़ी देर पहले कहा था ना, तुम चित्रकार हो। मुझे लगा था तुम झूठ बोल रहे हो, पर तुम सच में हो, and that too of a very high caliber. Thank you for your compliment. I really mean it. वैसे तुम्हारी सारी पेंटिंग सच में बहुत सुंदर है, especially ये जो तुम अभी बना रहे हो। It's very interesting and very vibrant. It's called fire. Fire? Concept कैसे सूझा? Actually ये एक बड़े चित्रकार की लेजेंडरी पेंटिंग है। उन्होंने पंच महाभूतों के पेंटिंग्स पर एक सीरीज बनाई थी, उन्हीं में से ये एक पेंटिंग है। वो जो फोटो लगा है ना ऊपर, ये वही, उसे देखकर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ओ, मतलब तुम किसी को कॉपी कर रहे हो क्या? हाँ। और क्यों? क्योंकि मैं उस पेंटर की स्टाइल को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा। एक्चुअली आई वांट टू हैव अ ड्रिंक। हाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। यू कैन हैव अ ड्रिंक, पर अगर तुम अकेले पीने वाले हो तो मुझे दिक्कत हो सकती है। ओह, श्योर। क्या पियोगी, वोडका या विस्की? वोडका। ओके। सिर्फ सोडा या लाइम कॉर्डियल? लाइम कॉर्डियल। आइस क्यूब? नो आइस। हाँ, योर ड्रिंक इज रेडी। ओके।
थैंक यू सो मच। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। ओ, एनी स्पेशलाइजेशन? नहीं, जो दिल को छू जाता है उसे कैनवस पर उतार देता हूँ। एंड व्हाट अबाउट यू? मैं ग्राफिक डिजाइनर, कर्नाटका यूनिवर्सिटी। अच्छा, नाइस। चीयर्स। तुमने कुछ देर पहले कहा था कि वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। तुम मिली हो क्या समर से? आई मीन, जानती हो क्या उसे? नहीं, मम्मी ने बताया मुझे। मेरी मॉम 18 साल की थी। उनका और समर बांदोडकर का अफेयर पूरे कॉलेज में बहुत फेमस था। समर उनसे शायद 1 साल सीनियर होगा। कॉलेज के ख़त्म होने के बाद भी 2 सालों तक उनका अफेयर चलता रहा। फिर क्या उनका ब्रेकअप हो गया? सिर्फ ब्रेकअप हुआ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर समर ने जिस तरीके से ब्रेकअप किया, दैट टर्न्ड इनटू अ ट्रेजेडी। क्या मतलब? वादा करके शादी नहीं की? वो प्रेग्नेंट थी और ये उन्होंने समर बांदोडकर को बताया, और शादी के लिए जिद करने लगी थी। पर उस सोफिस्टिकेटेड आदमी ने कहा कि तुम्हारा पाप है, तुम ही निपटो, मेरे गले में बांधने की कोशिश मत करो एंड ऑल। तुम्हारी मॉम ने घर वालों को बताया था? बताया था। घर वालों ने कहा एबॉर्शन करवा लो, ये सलाह दी थी, और उन्हें ये नहीं करना था। मॉम ने कहा कि ये कोई पाप नहीं है कि मैं अबॉर्शन करवाऊं। घर वाले मान गए थे? ऑफ कोर्स, तुम जिंदा हो इसका मतलब वो मान गए होंगे। उन्होंने मॉम को घर से बाहर निकाल दिया जब वो प्रेग्नेंट थी। How could they? Can you believe it? I can't believe it. मुझे भी एक प्लीज। It's good to have a moderate drink rather than having a rest drink. Drinks can create wonders. विक्रम, तुम जानते नहीं हो, एक आध दिन तुम भी ना दारू को चढ़ने दो, मतलब थोड़ी नहीं, एकदम हाई वाली चढ़ने दो। उसके बाद अपने उस कैनवस पर पेंटिंग बनाकर देखना। आई एम श्योर यू'ल एक्सपीरियंस द वंडर्स। थैंक यू सो मच। तुम्हारी मॉम की कहानी अधूरी रह गई। हाँ, मैं बड़ी हुई तब मॉम ने मुझे सब बता दिया। फिर मैंने ठान लिया कि उसे ढूंढ कर रहूंगी। फिर क्या हुआ, मिला वो? मिला ना, पर मुझे तो अपनी बेटी मानने को तैयार ही नहीं है। तब तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अब भी उसकी शादी हुई है जब वो 50 साल का हो गया है, और उसकी बीवी वो 30 साल की है। मोहिनी। करेक्ट। ये सुनकर तुम्हारी मॉम को बहुत बुरा लगा होगा ना?
नहीं, वो इस दुनिया में होंगी तब ना। मतलब तुम्हारी मॉम आई एम सॉरी डोंट बी मैं 15 साल की थी तभी वो गुजर गई। वो बहुत बीमार थी और वो सो रही थी, पर मुझे स्कूल जाना था तो सुबह 7:30 बजे मैं उन्हें उठाने गई और उन्हें देखकर मुझे लगा आंख लग गई होगी उनकी, फिर मैं स्कूल चली गई और स्कूल में मुझे पता चला कि मेरी मॉम एक मिनट सच में बहुत ब्यूटीफुल थी तुम्हारी मॉम। शी वॉज इन जस्ट ब्यूटिफुल, शी वॉज बोल्ड एंड ब्यूटिफुल, इज़न्ट शी? बाय द वे, समर और मोहिनी कहाँ मिले थे क्या तुम जानती हो? मोहिनी? हाँ मोहिनी, आई थिंक मुंबई में, वो मॉडलिंग के लिए मुंबई आई थी ना, तभी मिली होगी, पर वहाँ भी उसका कुछ हुआ नहीं, फिर आई एम श्योर वो जाकर समर से मिली होगी पैसों के लिए। कैन आई यूज योर वॉशरूम? अरे संभल कर, आराम से। ऑलराइट, बैठो। आई एम ऑलराइट। यू नो व्हाट, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा पी चुकी हूं मैं। समर ने उसकी शादी की पार्टी रखी थी वहां पर। यू वर इनवाइटेड? वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा, पर फिर भी मैं गई थी, 2-4 पैग मारे और सारे मेहमानों के सामने उसकी इज्जत उतार दी। उसने अपने गार्ड्स को बुलाया और मुझे बाहर निकलवा दिया। इसलिए मैं कहती हूं ना, ड्रिंक्स कैन क्रिएट वंडर्स, सी? और वहां तमाशा करके तुम्हें क्या मिला? मोहिनी को पता चल गया कि मैं कौन हूं, उसने मुझे दूसरे दिन कॉल किया था, समर नहीं था शायद घर पर, उसने मुझे तुरंत मिलने के लिए बुलाया। फिर मुझे समझ नहीं आया जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, पर फिर से उसने मुझे कॉल किया। आखिर मैं गई। मैं जब समर के घर पर पहुंची
तब सुबह के 11 बज रहे थे, करेक्ट। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं हॉल में गई, वहां आसपास मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। हॉल से मुझे अंदर का कमरा और डाइनिंग रूम दिख रहे थे। मैं बहुत डर गई। मुझे लगा मुझे खत्म करने की साजिश तो नहीं है इन लोगों की। मैं इधर उधर देखकर डरते हुए पास के सोफे पर जाकर बैठ गई। मुझे किसी के तो कदमों की आहट सुनाई दी और तभी एक हाफ पैंट पहना हुआ आदमी पानी का ग्लास लेकर आया। उसने वो टिपॉय पर रखा और मुझे देखते हुए अंदर वापस चला गया। मैं एक ही घूंट में सारा पानी पी गई। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? और फिर उसने मेरे साथ एक डील की। समर को मारने की डील। She bloody promised me a huge amount. पर वो समर को मारने के बाद। और इस सौदे पर तुमने भरोसा कर लिया? Beggars cannot be choosers. मुझे मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग की कंपनी जो खड़ी करनी थी, और कोई भी बैंक मुझे फाइनेंस नहीं दे रही थी। सो राइट नाउ आई एम कंप्लीटली ब्रोक। मतलब ये सब तुमने पैसों के लिए किया? दोनों के लिए, पैसों के लिए और बदले के लिए। कम से कम उससे एडवांस तो मांग लेती। एडवांस मांगे थे मैंने। कहने लगी कि तुम ही अगर एडवांस मांग रही हो तो मैं किसी प्रोफेशनल किलर को बुलाकर उसी को काम दे दूंगी, तुम्हारी क्या जरूरत है। फिर मैंने हाँ कह दिया उसे। डू यू नो, मैंने उससे 3 बार मारने की कोशिश भी की है, पर वो तीनों बार बच गया। यार क्या करूं, बैड लक। उसका फोन आया था मुझे 10 दिन पहले, कह रहे थे कि तुझसे ये काम नहीं होगा तो रहने दे, हमारी डील भूल जा। डील भूलने को कह रही थी? Hang on. Are you the same person appointed by her for the same job? या तुम्हारा और मोहिनी का कोई सीरियस अफेयर चल रहा है? चलो जो भी है, मुझे सच सच बता दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुमने अगर झूठ बोला ना तो जरूर मुझे बुरा लग सकता है। बस चलो आओ मेरे साथ। क्या ये सब क्या है? ये समझने के लिए मुझे एक और पैक चाहिए। क्या तुम थोड़ी देर रुकोगी? सॉरी, थोड़ा वेट करो, मैं देता हूं तुम्हें। पर मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनो। हाँ, यू शुड नो माय स्टोरी। तुम्हारी स्टोरी?
क्या है? मतलब मेरे डैड की स्टोरी। क्या तुम जानती हो ये पेंटिंग्स किसकी है? मेरे डैड की। अच्छी है ना? कितने फाइन स्ट्रोक्स है देखो। मशहूर चित्रकार लक्ष्मण खेड़ेकर। हाँ? क्या? उनकी पेंटिंग्स की कीमत करोड़ों रुपए है, पर वो पेंटिंग डीलर समर बांधोड़कर, ही किल्ड माय फादर, ही प्रोवोक्ड माय फादर टू कमिट सुसाइड। मेरे डैड ने पंच महाभूतों के पेंटिंग्स पर एक सीरीज बनाई थी, वो सीरीज अब उसे चाहिए, पर वो पेंटिंग्स कहां रखी है ये कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। वन लास्ट। नहीं नहीं बस बहुत हुआ। अरे मैं खुद बनाकर ले सकती हूँ, I don't need you। वो ग्लास मुझे दो। अरे एक लास्ट पैक। नहीं कहा ना बहुत हो गया। नहीं नहीं सुनो, तुम पहले ही बहुत पी चुकी हो, बस बहुत हुआ। विक्रम प्लीज वन लास्ट। बात मानो मेरी। एक लास्ट। सुनो तुम वॉशरूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अरे यार चलो जल्दी करो। नहीं इस वक्त कौन हो सकता है? ए भाई कौन है तू और अंदर क्या देख रहा है? हाँ नहीं कुछ नहीं देखा मैंने, शायद मैं गलती से इधर आ गया। मेरे ख्याल से मेरा रूम इस रूम के ऊपर है, सॉरी। क्या? नहीं सॉरी बोला ना मैंने, बोला है सॉरी। सुनो चीयर्स, वन फॉर द ट्रूथ। क्या ये? छोड़ो मैं बाहर जाकर आता हूं, तुम यहीं रुकना समझी। रूम से बाहर मत निकलना। विक्रम, विक। हाँ ये मेरा रूम है। जानता हूँ, मदद करता हूँ आपकी, लो चाबी दो। अरे झटके में खुल गया, तू पहला होटल में काम करता था क्या? ये ले अब जा अंदर। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। विक्रम विक्रम
विक्रम, विक, क्या यार तुम कहाँ थे? कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ गए थे तुम? विक्रम, I'm talking to you. अरे पागल हो गई हो क्या, चिल्ला क्यों रही हो? रात के 11 बज रहे हैं। तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? अब चुप बैठोगी? लेकिन बताओ तुम यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्यों कर रही हो? अंदर चलो, चलो विक्रम। ड्रिंक लास्ट। ये लड़की ना, लास्ट लास्ट नहीं, छोड़ो इसे। अरे छोड़ो, लास्ट लास्ट। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। हाँ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो, पर मुझे फ्रेश नहीं होना है विक्रम। चलो चलो यहाँ से, मुझे विक्रम नहीं। चलो 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 मेरे साथ। नहीं ना, अरे चलो ना, नहीं होना है। अरे प्लीज आओ ना। अरे क्या समझ, नहीं होना है फ्रेश। यहाँ खड़ी रहो, यहीं रुको। क्या कर रहे हो तुम विक्रम? विक्रम विक्रम, जब हजम नहीं होता है तो पीती क्यों है? विक्रम क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं फिर चुप क्यों हो? आर यू लुकिंग एट अ वुमन लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम? नहीं नहीं। सच बताओ, मेरा पोर्ट्रेट बनाने का मन नहीं कर रहा? प्रिया, 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 यस सर, सर ही वॉज इंक्वायरिंग अबाउट इट। ओके सर, यस सर, यस सर, आई विल डू इट। यस सर,
श्योर, यस सर, ओके, यस सर। मैडम, एनवेलप फॉर यू। थैंक यू। वेलकम। हाय, गुड मॉर्निंग विक्रम। बैड मॉर्निंग प्रिया। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये क्या? सॉरी, तुमसे बिना पूछे तुम्हारे कपड़े पहन लिए। कहाँ चली गई थी तुम? मॉर्निंग वॉक पर, दैट्स माय रूटीन। पानी मिलेगा प्लीज? लाता हूँ। मुझे बताकर नहीं जा सकती थी क्या? सॉरी यार। सॉरी यार, सुबह सुबह डरा दिया मुझे। ये लो। चाय मिलेगी प्लीज? लाता हूँ। शक्कर कितनी डालनी है? 2 चम्मच। कल मुझे थोड़ी ज्यादा चढ़ गई थी। थोड़ी? सॉरी सॉरी। मैं सुबह उठी तब तुम बहुत आराम से सो रहे थे। लगा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। I should not disturb your sleep. It's as simple as that. By the way, कल रात को मैंने तुम्हें अपने बारे में ईमानदारी से भरोसा रखकर सब कुछ बता दिया था, पर तुमने तो अब तक अपने पिताजी की कहानी अधूरी ही रखी है। सुनने के लिए होश में रहना पड़ता है मैडम। थैंक्स। अच्छी है। थैंक यू। तुम्हारे पिताजी ने सुसाइड क्यों किया तुमने ये नहीं बताया? एक मिनट, मैंने कल रात को ये बताने की कोशिश की थी पर तू सॉरी। छोड़ो, मेरे डैड एक बहुत बड़े चित्रकार थे पर उन्हें उन पेंटिंग्स की कीमत कभी पता ही नहीं चली। उन्हें उनके दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता था। किसी पर भी तुरंत भरोसा कर लेते थे। और इसी बात का फायदा उस समर बांधोड़ करने उठाया। तुमसे कहा था ना मैंने कि मुझसे पूछे बगैर तुम एक भी पेंटिंग नहीं बेच सकते हो। हाँ, तुम्हें दी हुई पेंटिंग्स तुम कहीं भी बेच सकते हो, पर मेरी पेंटिंग्स मैं क्यों नहीं बेच सकता? यही सौदा हुआ है हमारा और उसे ध्यान से पढ़कर तुमने अपनी मर्जी से उस पर साइन किया है, याद नहीं? भूल गए क्या? तुमने मुझे साइन करने को कहा था, तुम पर भरोसा करके मैंने साइन किया था। तुम्हें लिख कर दिया है कि तुम जो भी काम करोगे उस पर हक सिर्फ मेरा रहेगा और मेरी सहमति के बगैर तुम किसी को भी कुछ नहीं बेच सकते हो। मैंने तुम पर भरोसा किया पर तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने फंसाया मुझे। आज के बाद एक भी पेंटिंग मेरी सहमति के बगैर बाहर नहीं जाएगी और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। डैड ने बाहर के सारे काम बंद कर दिए थे, हार गए थे वो और उसी हार की वजह से आखिरकार उन्होंने जान दे दी। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था।
एक दिन मुझे उनकी डायरी मिली। उस डायरी से मुझे बहुत कुछ पता चला। जैसे कि? मेरे डैड ने पंच महाभूतों के पेंटिंग्स पर एक खूबसूरत सीरीज बनाई थी, उसी में से फायर नाम की एक पेंटिंग, समर ने उसे पेरिस ले जाकर बेच दिया करोड़ों रुपयों में। फिर क्या, उसके बाद डैड की पेंटिंग्स की डिमांड बढ़ने लगी, पर बाकी सारी पेंटिंग्स गायब हैं और समर उन्हीं को ढूंढ रहा है। फिर? वो पेंटिंग्स कहाँ है सिर्फ मैं ही जानता हूं। क्या? फिर वो पेंटिंग्स तुम बेच क्यों नहीं रहे हो? यही तो दिक्कत है, उन पेंटिंग्स के सारे अधिकार अब भी उस समर के पास हैं। डैड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा है कि जब तक वो समर जिंदा है तब तक सारा अधिकार उसी के पास रहेगा। और इसीलिए तुम उसे मारने का प्लान बना रहे हो? इसीलिए तो मैं मोहिनी के टच में आया। तुमने देखा है क्या मोहिनी को? मिले हो कभी उससे? नहीं, वो सिर्फ मैसेज पर बात करती है। समर इज डेड? क्या? देखो उसका मैसेज आया मुझे। पर ये सच है या झूठ ये कैसे पता? मैं अभी आया। समर डैड? गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। यस, आपको समर बांदोड़कर का घर पता है क्या? आप एक काम कीजिए, हाँ, यहाँ से सीधे जाइए, देन यू टर्न राइट, नेक्स्ट टू द बीच यू विल सी अ बिग बंगलो, वो बंगलो उन्हीं का है। अच्छा, पर क्यों? वो मेरा उनसे एक पर्सनल काम था। ओह, ही वॉज जस्ट हियर 15 मिनट्स बिफोर। दरअसल ये होटल भी उन्हीं का है। अच्छा, हाँ। थैंक यू। या वेलकम। हेलो, कहाँ थे, क्या हुआ, कोई मिला क्या तुमसे? देखो प्रिया, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। समर जिंदा है प्रिया, और ये होटल भी उसी का है। तुम कहीं बाहर मत जाना। हाँ, मैं अभी आया। विक्रम, कहाँ जा रहे हो तुम? विक्रम सुनो मेरी बात। हमने क्या तय किया था? मैं खुश हूं तुम पर। थोड़ी देर में गन भेज रहा हूं, उड़ा दो विक्रम को। क्या? पर हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा, याद रखना। सुनो, उसे पता चल गया है कि तुम जिंदा हो, और ये होटल भी तुम्हारा है, ये भी पता चल गया है उसे। जितना कहा है उतना करो, उसे उड़ा दो। सुनो, नहीं, तुम मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो,
साहब ने गिफ्ट भेजा है, ले लो ना। पता है ना क्या करना है? उड़ाना है। हेलो हेलो इम्तियाज़ भाई, सलाम वालेकुम भाई। भाई विक्रम बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, वो गिफ्ट आइटम रेडी हुआ क्या? रेडी है क्या? नहीं 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 भाई, भाई सुनो भाई, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ चलेगा, उधर ही मिलते हैं। हाँ थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ हो रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। कोशिश नहीं, काम करो। हेलो हेलो, हैंड्स अप। ये गन कहां से मिली? तुम्हें कहां से मिली? पहले से ही ऑर्डर की थी। क्यों? समर के लिए। आज के इंसिडेंट की वजह से जल्दी मंगवानी पड़ी। तुम कहां से ले आई?
मैंने कहा था ना, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। मॉर्निंग वॉक पर गई थी ना, तभी लेकर आई। मुझ पर क्यों तान रखी है, मारोगी मुझे? नहीं, तुम मुझ पर क्यों तान रहे हो? तुम मारने वाले हो क्या मुझे? नहीं। गन नीचे करो। पहले तुम नीचे करो। पहले तुम देखो मैंने Come inside Miranda House at 7 p.m. समर बांदोड़कर, योर टाइम इज अप। वेलकम, वेलकम टू माय हाउस। वेलकम विक्रम। मोहिनी कहाँ है? वो क्या है ना, मैं गोवा से बाहर हूं ऐसा समझ के मोहिनी ने तुम्हें यहां बुलाया, फिर सोचा मैं ही मिल लेता हूं। मोहिनी कहाँ है बता, क्या किया उसके साथ तूने? अरे 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 अरे, मारने की इतनी जल्दी क्या है? तुझे मुझसे कुछ सवाल का जवाब चाहिए ना, तो वो ले लो पहले, फिर आराम से मार देना। सही कहा ना, अब बात कर ले। आओ सामने आओ। अरे आओ ना सामने, बात करनी है। अरे बोलना तो छोड़, जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है तुझे। तूने पहचाना मुझे? ऑफ कोर्स, मशहूर चित्रकार लक्ष्मण खेडकर का लड़का है ना तू? जानता है तेरे पिताजी मशहूर किसकी वजह से हुए हैं? मेरी वजह से। मशहूर भी तेरी वजह से ही हुए थे, और सुसाइड भी तेरी वजह से ही किया था। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट किया था तूने? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? अरे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा। देख, उन पंच महाभूतों में से जो चार पेंटिंग्स तेरे पास है ना, उसके ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए तू कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ अगर तू चाहता है तो हम वो
कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू माय फुट। जिस कॉन्ट्रैक्ट के जोर पर तू मेरे डैड को धमकी दे रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस चाहिए। तूने जो भरोसा तोड़ा है उसी की वजह से मेरे डैड टूट गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। इन सब के लिए सिर्फ तू जिम्मेदार है समर, इसीलिए मैं यहां आया हूं। अब चुपचाप वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस दे दे। विक्रम, तू यहां आया नहीं है, तुझे लाया गया है। विश्वास नहीं मुझ पर तो पूछो इससे। जानता है ये कौन है? प्रिया रेडकर। प्रिया रेडकर? नहीं, यही मोहिनी है। क्या प्रिया? तुम्हारी वो पहली मुलाकात मेरा ही प्लान था। तुम्हारे होटल की बुकिंग जिस मोहिनी ने की थी वो मोहिनी यही है, और तुझे जिसने मोहिनी का नंबर देकर मोहन के नाम से सेव करने को कहा था वो मेरा ही आदमी था। सो मोहिनी, शूट इट। प्रिया, झूठ बोला तुमने मुझसे, तुमने मुझसे झूठ बोला। विक्रम, I'm really sorry, पर मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। बिलीव मी विक्रम। मैं मोहिनी नहीं, प्रिया ही हूं। तूने मुझे जबरदस्ती मोहिनी बनने के लिए कहा था, इसे फंसाने के लिए। मैंने हां कह दिया क्योंकि मैं तुझे मारना चाहती थी। इसकी मां को भी धोखा दिया था ना तूने, प्रेगनेंसी की हालत में छोड़ दिया उन्हें। क्या? इसकी मां? क्या बोल रहा है तू? इसका दुनिया में कोई नहीं है। इसने झूठ गाया तुझसे, मैं नहीं भेजा था इसे तुझे मारने के लिए। प्रिया क्या बोल रही है? देखो अब तुम झूठ मत बोलना मुझसे। आई एम सॉरी वंस अगेन, मैंने ये बातें तुमसे छुपा कर रखी क्योंकि अगर तुमने अपनी सोच बदली होती तो मैं अकेली पड़ जाती। मैंने कल तुम्हें जो फोटो दिखाई वो मेरी मॉम की नहीं थी, वो मेरी बहन की थी, माधुरी रेडकर। ऐसी मतलब वो माधुरी तुम्हारी बहन थी? आई एम सॉरी। इसने उसे फंसाया। शी हैड नो ऑप्शन सो शी कमिटेड सुसाइड। और एक माधुरी नहीं, ना जाने कितनी लड़कियों को तूने फंसाया है। जिस घर में रहता है उसका नाम मिरांडा हाउस, बांदोडकर हाउस क्यों नहीं है? इस घर के मालिक को भी तूने फंसाया है और नौकर बनाकर घर में रखा। नाउ इट्स इनफ, मरने के लिए तैयार हो जा। रुको रुको रुको, इसमें गोलियां नहीं है, मैंने ही भेजी थी ना ये पिस्तौल तुम्हें, तो भरी हुई कैसे भेजता? पागल है ये। तूने दी है? तुमने तो कहा था कि मॉर्निंग वॉक पर गई तब लेकर आई थी, क्यों? तू जैसे के लिए तो एक ही गोली काफी है। इम्तियाज ने दिया है ना एकदम तुझे आज सुबह। इम्तियाज भी मेरा ही आदमी है, और मैं क्या पागल हूं जो भरी हुई गन भेजूंगा मुझे ही मारने के लिए? इस गन के अंदर की सारी गोलियां नकली हैं, विश्वास नहीं हो रहा ना? मार मारना, अरे मारना मुझे, मार। विक्रम। बहुत होशियार समझते हो ना तुम अपने आप को। रुको तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। Thank you.
मेरी तुम पर कड़ी नजर थी। निकल गई ना हवा। अब गन सिर्फ मेरे पास है और मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहा था। अब बोलो, सबसे पहले किसे मारूं? तुझे या तुझे? लगता है मुझे इसे मारना चाहिए। एक मिनट, देखो समर, तू मुझे नहीं मार सकता है। तुझे पंच महाभूतों की पेंटिंग की सीरीज चाहिए ना, उसकी तुझे कितनी जरूरत है मुझे पता है। देख वो पेंटिंग्स कहां रखी है ना समर, सिर्फ मैं ही जानता हूं। तू मुझे नहीं मार सकता। तू क्या अपने आप को बहुत होशियार समझता है? तेरी गन में भी गोलियां नहीं है। अरे वाह, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊ। लाल कबर्ड में तीसरा ड्रॉर, वहीं पर रखता है ना तू अपनी गन। मैंने वो खोलकर इसकी सारी गोलियां निकाल ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि तू इस गन का इस्तेमाल मुझ पर भी कर सकता है। अब कैसा लग रहा है? पहले पे पहला। तीन पिस्तौल है और तीनों खाली है। चलो एक खेल खेलते हैं। मैं एक, दो और तीन गिनूंगा। तीन बोलने के बाद सब लोग सीलिंग पर पिस्तौल तानेंगे और फायर करेंगे। पिस्तौल अगर भरी हुई होगी तो हम लोग एक दूसरे को मार सकते हैं। एक, दो, तीन। Thank you.